भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जैसे कृषि, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, संचार, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टीवी, मौसम की जानकारियां, नेविगेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो, विद्यार्थी हो, सुरक्षा बल हो। दूसरी ओर, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो, या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की
एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना। प्यारे देशवासियों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। सभी भारतवासी भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें और सुरक्षित महसूस करें, यही हमारा लक्ष्य है। मुझे अपने लोगों की कर्मठता, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम निसंदेह एकजुट होकर एक शक्तिशाली, खुशहाल और सुरक्षित भारत का निर्माण करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। सभी देशवासियों को आज की इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथियों को फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।